सबसे पहले हमने पढ़ा था कि फंगस जो होते हैं उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने फंगस का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जो कि हमने स्पेशली किसके रेफरेंस में पढ़ा था, एलेक्सोफोलस और मेंस के, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में थर्ड जो हमारा टॉपिक था वो था माइकोराइजा, ठीक है। आज हम देख लेते हैं हमारा आज का जो एजेंडा है वो क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पेपर का नाम क्या है, माइकोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा जो आज का एजेंडा है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा जो एजेंडा है वो है एल्ब्यूगो, ठीक है। अब क्या होता है एल्ब्यूगो, क्या पढ़ना है इसके अंदर, तो सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन, ठीक है, इसके सिम्टम्स पढ़ने हैं, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड कौन से है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, देन फर्टिलाइजेशन और देन लाइफ साइकिल हमको आज डिस्कस करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर ये जनरल टॉपिक जो थे जो हमने लास्ट क्लासेस में कवर किए थे कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए या क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस हो गया विद स्पेशल रेफरेंस टू एलेक्सोफोलस एंड मिम्स, उसी का क्लासिफिकेशन देखा हमने। नेक्स्ट हमने माइकोराइजा देख लिया, उसके टाइप्स देख लिया, उसके स्ट्रक्चर देख लिया। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे सिलेबस में फर्स्ट और सेकेंड यूनिट जो है उसके अंदर हमको 8 टाइप स्टडी पढ़नी है इसकी फंगस की, ठीक है, जिसमें से हमारा सबसे पहला टाइप स्टडी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है एल्ब्यूगो, ठीक है। एल्ब्यूगो जो है हमारे फर्स्ट
होस्ट एरिया को एंटर करते हैं और क्या करते हैं, वहां पर अपना माइसीलियम जो है वो स्थापित कर देते हैं इस टाइप से। तो ये इनका ट्यूब हो गई, ठीक है, और ये क्या हो गया, स्टोमेटल कोर, ठीक है। तो इस तरह से ये परपोषी कोशिका के अंतराकोशिक स्थानों में प्रवेश करते हैं तथा वहां पर जाकर के जर्मिनेट होकर के अपना माइसीलियम जो है वो बना देते हैं, मतलब अपना जो माइसीलियम, माइसीलियम क्या होता है, इनकी बॉडी को हम बोलते हैं। तो हैबिटेट के बेसिस पर हमने देखा कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, है ना, अविकल्पी परजीवी होते हैं और होस्ट के मतलब परपोषी के अंतराकोशिक स्थानों पर, है ना, मतलब परपोषी कोशिका के इंटरसेलुलर स्पेसेस में शुष्काओं के द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं और वहां पर माइसीलियम का स्थापना करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा, ठीक है, एब्यूबो जो है वो कि इसके होस्ट कौन कौन से हैं, उनके परपोषी कौन कौन से, तो हमने देखा कि ब्रैसिकेसी कुल के सदस्य हैं, इसके अलावा एमेरेंथस कुल के सदस्य हैं, कॉनवोल्यूलेसी, है ना, ये सारे एंजियोस्पर्मिक फैमिली, डाइकॉट और मोनोकॉट जिसमें अपन डिवाइड करते हैं एंजियोस्पर्म को, तो ये सारी फैमिलीज होती है, ठीक है, कुल होते हैं। तो ये इन कुलों को, इन फैमिलीज के सदस्यों को क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। जनरल सी बात है हैबिटेट के अंदर, ठीक है, हम एक बार इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या पीपीटी के अंदर हम देख सकते हैं, इसका क्लासिफिकेशन दे रखा है, किंगडम जो है वो है माइकोटा, ठीक है, या माई सिटी, ठीक है। अगर आप एलेक्सोपोलस का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो आपके पास में ये चीज आएंगी, है ना, एलेक्सोपोलस मीन्स की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एल्बिगो इज अ मोनोटिपिक जीनस ऑफ एल्बुजिनेसी फैमिली, मतलब कि ये जो है वो आपका क्या है, एक सिंगल एकल प्रारूप जीनस या वंश है। इट हैज अबाउट 30 स्पीशीज, है ना, ऑलमोस्ट 30 स्पीशीज टोटल होती है, विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। दीज स्पीशीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है, उसके अलावा दे आर फाउंड एंड एज एंडो पैरासाइट इन हायर प्लांट्स, लाइक कौन कौन सी हायर प्लांट्स, इट इन्फेक्ट्स, है ना, मेंबर्स ऑफ द क्रूसीफेरी, कॉन्वोल्यूलेसी, एसेरेसी, एमेरेंथेसी फैमिली एक्सेट्रा, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा कि ये जो होते हैं वो परपोषी सेल के इंटर सेलुलर, है ना, इंटर सेलुलर पोर्शन में अंतराकोशिक स्थान में प्रवेश करते हैं और क्या करते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें इनके माइसीलियम की या फिर हम इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की, तो इनका जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो इसके माइसीलियम के बारे में, ठीक है। तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में हम हमेशा किसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसके माइसीलियम के बारे में, मतलब इसका कवक जाल कैसा है, इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसका जो माइसीलियम होता है, इसका जो कवक जाल होता है वो होता है एसेप्टेड, है ना, पट विहीन। इसके अलावा ये होता है ब्रांच्ड, जिसको
अवशोषण करते हैं, होस्टेरिया के थ्रू क्या करते हैं, ये भोजन का अवशोषण करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने बोला कि ये बहुत सारी स्पीशीज जो होती है, बहुत सारी स्पीशीज इन द सेंस कि जैसे ब्रैसिकेसी फैमिली हो गई, उसके मेंबर्स हो गए जैसे कि रेफेनस हो गया, है ना, रेफेनस हो गया, ब्रैसिका हो गया, इन सब के अंदर ये क्या करता है, वाइट रस्ट डिसीज जो है वो क्रिएट करता है, वाइट रस्ट डिसीज, है ना, श्वेत किट रोग। क्या होता है श्वेत किट रोग, कि परपोषी जो इनके हैं मतलब रेटिनस या फिर ब्रैसिका जो है, इनकी पत्तियों के ऊपर सफेद कलर के फंगस, फंगस होते हैं ना, तो सफेद कलर के छोटे छोटे से धब्बे या पिस्ट्यूल जो होते हैं हम बोलते हैं, तो वो क्रिएट करता है वाइट, वो क्या कहलाता है, वाइट रस्ट या फिर श्वेत किट। तो ये एक जनरल बात हो गई किसके बारे में, एल्ब्यूगो के बारे में। तो एल्ब्यूगो का अगर हम जनरल ब्रीफ पढ़े, ब्रीफ में समझे एल्ब्यूगो को, तो सबसे पहली बात एल्ब्यूगो का दूसरा नाम क्या है, सिस्ट्रोकस। क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हम एलेक्सोपोरस और मिम्स के क्लासिफिकेशन को फॉलो करें तो माइसिटी किंगडम, ठीक है, डिविजन मेस्टिगो माइकोटा, सब डिविजन डिप्लोमेस्टिगो माइकोटा। क्लास है इसकी उमाइसिटिस, ऑर्डर है पेरेनोस्पोरेलिस, फैमिली है एल्ब्यूजिनेसी और जीनस हो जाएगा एल्ब्यूगो या फिर सिस्ट्रोकस। हमारे पास में टोटल 30 स्पीशीज है, इंडिया में 17 है, जिसमें से प्रमुख एल्ब्यूगो कैंडिडा या फिर एल्ब्यूगो ब्लाइटी है। ठीक है, जो कि कैसी होती है, अगर हम हैबिटेट के बेसिस में बात करें तो ऑब्लिगेट पैरासाइट होती है, अविकल्पी परपोषी, अविकल्पी परजीवी होती है, जो कि एक स्पेसिफिक होस्ट पर ही अपना जीवन जो है वो यहाँ पर करती है। ठीक है, और वहां पर उसी स्पेसिफिक होस्ट के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करती है, संक्रमण करती है, क्योंकि है क्या, ये एक फंगस है। ठीक है, और फंगस जो है वो किसी भी परपोषी के अंदर क्या करेगा, संक्रमण उत्पन्न करेगा। अब ये संक्रमण होता क्या है, तो ये व्हाइट कलर के धब्बे जो है वो पत्तियों पर या लीफी पार्ट जो होते हैं उस पर क्रिएट करता है। भोजन कैसे लेता है, होस्टेरिया के थ्रू। तो किसी भी परपोषी कोशिका जो है ना, परपोषी कोशिका क्या होती है, जिसके ऊपर ये इन्फेक्शन डाल रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने क्रूसीफेरी की बात करी, ब्रैसिकेसी मतलब, है ना, उसके अलावा एमरेंथेसी हो गया, कॉनवनवुलेसी फैमिली हो गया, तो इन सब के मेंबर्स की जो है, सदस्य जो है उनके ऊपर ये क्या करता है, अपना इन्फेक्शन डाल रहा है। ठीक है, वाइट रस्ट डिसीज जो है वो क्या करता है, होती है इसके कारण, एल्ब्यूगो के कारण। होस्टेरिया के थ्रू ये भोजन का अवशोषण करता है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की अगर हमने बात करी तो इनका जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट होता है, ब्रांच होता है, सिनोसिटिक होता है, पटविहीन होता है, इसीलिए टेट्रा जो होते हैं वो कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक माइसीलियम। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई किसके बारे में, एल्ब्यूगो के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और इसके हैबिटेट के बारे में। हम यहाँ पर देख सकते हैं सिम्टम्स की अगर बात करें तो ये क्या करता है, दिस फंगस मेनली कंटामिनेटेड द प्यूमेटिक पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज सर्कस लीव्स कॉलम फ्लावर फ्रूट, है ना, इन सबको ये अफेक्ट करता है, मेनली किसको अफेक्ट करता है, लीव को। द डिजीज इज रिफ्लेक्टेड ऑन द सर्फेस ऑफ द होस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाइट पिस्ट्यूल्स। ठीक है, तो यही जो होते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, तो वाइट रस्ट डिसीज बोलते हैं। ठीक है, किसकी, किसके कारण होने वाली डिसीज है, ये एल्ब्यूगो के कारण होने वाली डिसीज है। ठीक है, फॉर दिस रीजन दिस डिसीज इज कॉल्ड वाइट रस्ट
कठिन, ठीक है, यहाँ हिंदी में लिख रखा है कठिन, ठीक है, एक्सेप्टेड है ये, फिर है ना सेक्युलर है, अनब्रोकन फंगल है, ठीक है, दिस फंगस वॉल, दिस द फंगस वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, हर हर फंगस की विशेषता है, ठीक है, मेनली, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि ओमाइसिटिस क्लास, ये भी एक ओमाइसिटिस क्लास का एक सदस्य है, इसके कुछ मेंबर्स की जो जो सेल वॉल होती है वो आपकी सेलुलोज की भी बनी हुई होती है। साइटोप्लाज्म जो होता है, ठीक है, ग्रेन्युलर होता है कंटेंट, जो बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, क्यों न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि ये बिखरे हुए रहते हैं, इट इंक्रीजेस द इंटर सेलुलर स्पेस ऑफ द होस्ट, ठीक है, इंटर सेलुलर सेल में ये वृद्धि करते हैं, एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट सेल द्वारा अनोब लाइक होस्टिका, ठीक है, ये भोजन या पोषण का न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू करते हैं, तो नॉब लाइक होस्टिका के थ्रू, हुक जैसी संरचना होती है। होस्टीरिया डिफरेंशिएटेड इनटू हेड एंड सर्विकल स्टॉक, ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम सीटीसी आर फाउंड इन द एपिकल पार्ट ऑफ द होस्टीरिया, ठीक है, बट इट लैक्स न्यूक्लियस, ठीक है, इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की, तो सबसे पहले हम कौन से रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, तो एल्गो के अंदर मेनली दो टाइप से रिप्रोडक्शन मेथड होता है, या तो वो होगा एसेक्सुअल या होगा सेक्सुअल, ठीक है, अगर एसेक्सुअल होगा, है ना, एसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस क्या होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में डिफरेंस क्या होता है, कि लैंगिक जनन जो होता है उसके अंदर नर और मादा जननांगों का विकास होता है ना, मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं और उनका फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और जिससे कि जायगोट बनेगा, ठीक है। जनरल बेसिस बेसिक डिफरेंस क्या है इसके सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है, नर और मादा जननांग बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, और उनका क्या होता है, फ्यूजन या फिर फर्टिलाइजेशन, जिसके फलस्वरूप जो जायगोट या उस्पोर बनता है, टू एंड सेल होती है, उसमें मियोसिस होता है। तो लैंगिक जनन की दो मेन विशेषता क्या हो गई, फर्टिलाइजेशन और मियोसिस, जो कि अलैंगिक जनन में एब्सेंट होती है। तो कल हमने बात करी थी कि जो अलैंगिक जनन होता है फंगस के अंदर, वो मेनली किसके थ्रू होता है, बीजाणुओं के द्वारा, स्पोर्स के द्वारा, ठीक है। अब स्पोर्स के हमने कल चार स्पोर्स के बारे में डिस्कशन किया था, अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन हमारे पास में एल्गो के अंदर दो टाइप का होता है, सबसे पहले होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, अलैंगिक जनन। अब हम बात करते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है, इसके अंदर पहली बात मियोसिस और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, अर्धसूत्री विभाजन जो है और आपका निषेचन, निषेचन और अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रोसेस होती है वो नहीं होती है। तो मेनली जो ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होता है, बाय स्पोर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स जो होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मतलब कि बीजाणुओं के द्वारा, है ना। अब हमने बोल दिया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, बाय स्पोर्स होता है। हमने कल डिस्कस किया था कि स्पोर्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, मेनली फोर टाइप के, कोनिडिया, ठीक है, स्पोरेंजिया, उसके अलावा हम देखते हैं तो ओइडिया था और क्लेमाइडोस्पोर। अब क्लेमाइडोस्पोर और ओइडिया, है ना, विपरीत परिस्थितियों में तो क्लेमाइडोस्पोर्स बनते हैं, जब प्रतिकूल परिस्थिति
फॉर्म में ये जो है वो कोनिडिया जो होते हैं वो लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये जो कोनिडिया है ना, ये क्या हो गया, ये तो हो गया एम्ब्रियो का माइसीलियम, है ना, ये क्या हो गया एम्ब्रियो का माइसीलियम। ठीक है, बहुत सारे हाइफे होते हैं, हमने सिंगल बता रखा है समझने के हिसाब से। तो ये तो हो गया माइसीलियम, और ये माइसीलियम के ऊपर जो कोनिडिया होता है वो किसके थ्रू लगा होता है, तो कोनिडियो फोर। तो ये क्या हो गया, जो बेस हो गया, ये क्या कहलाता है, कोनिडियो फोर कहलाता है। अब इसके ऊपर ये जो कोनिडिया, या फिर हम क्या बोलते हैं, कोनिडियो स्पोर, है ना, कोनिडियो स्पोर, कोनिडियो बीजाणु जो होते हैं वो क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियों के अंदर, है ना, अनुकूल परिस्थितियों के अंदर ये जो है वो स्पोर्स क्या होते हैं, यहाँ से अलग हो जाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, जर्मिनेशन करते हैं, और जैसे ही इनका अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है ना, तो ये जर्मिनेशन के बाद में क्या कर देंगे, वापिस से नया माइसीलियम जो है वो इसका फॉर्म कर देंगे। तो ये तो मेथड होता है एसेक्सुअल में कोनिडियो, कोनिडिया द्वारा, तो मेनली इसके अंदर कोनिडिया द्वारा ही होता है। अगर कोनिडिया की जगह, है ना, क्या लगा हो, स्पोरेंजियो स्पोर्स लगा हो, जिसका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, एंडोजिनसली। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया की जगह, कोनिडियो स्पोर की जगह अगर स्पोरेंजियो स्पोर्स होंगे, और वही वापिस से अलग होंगे, जर्मिनेट होंगे, क्या बना देंगे, नया माइसीलियम बना देंगे। जू स्पोर का मतलब क्या होता है, कि ये जो आपके स्पोर्स बने हैं, है ना, वो कैसे हो, फ्लैजिलेटेड हो, ये जो स्पोर्स है ना, वो कैसे हो, फ्लैजिलेटेड हो, मतलब कि इनके अंदर पेशाविकाएं जो है वो उपस्थित हो, जिसके थ्रू ये क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये अगर स्पोर्ट्स होंगे तो वो ऐसे स्पोर्ट्स क्या कहलाते हैं, जू स्पोर। तो इस हिसाब से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इन स्पोर्ट्स के थ्रू क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब इन स्पोर्ट्स की विशेषता क्या होते हैं, ये क्लब शेप्ड होते हैं, ठीक है, और किस ऑर्डर में लगे हुए होते हैं, तो ये बेसिपिटल ऑर्डर में लगे होते हैं, बेसिपिटल ऑर्डर, है ना। ये जो स्पोर्ट्स होते हैं वो कौन से क्रम में, तलाभिसारी क्रम में लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये तलाभिसारी क्रम क्या होता है, तलाभिसारी क्रम दो तरह के ऑर्डर होते हैं, एक तो होता है एक्ट्रोपिटल ऑर्डर और एक होता है बेसिपिटल ऑर्डर, अग्राभिसारी और तलाभिसारी। अब तलाभिसारी का मतलब होता है कि नए कोनिडिया तो होंगे बेस पर, मतलब कि ये कोनिडिया की जो चेन है ना, इसमें से नया कोनिडिया कहाँ होगा, बेस पर, और पुराना सबसे ऊपर वाला जो कोनिडिया होगा वो कैसा होगा, सबसे पुराना। ठीक है, तो नए नए कोनिडिया जो है वो यहाँ से लगते जाएंगे। ठीक है, तो तलाभिसारी का मतलब क्या होता है, न्यू कोनिडिया कहाँ पर होगा, बेस पर। इसके अपोजिट अगर एक्रोपिटल ऑर्डर होता तो कोनिडिया की जो चेन थी उसमें सबसे ऊपर वाला जो था वो कैसा होता, नया होता। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, किसके अंदर, एल्बिगो के अंदर। ठीक है, हम स्लाइड के अंदर भी देख लेते हैं एक बार, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्बिगो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्बिगो के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है अकर्स थ्रू मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड कोनिडिया या कोनिडियो स्पोर्स। ठीक है, देयर डेवलप इनटू अ लॉन्ग बेसिपिटल चेन। बेसिपिटल चेन का मतलब क्या हो गया, बता दिया मैंने कि जो है वो आधार पर, ठीक है, कोनिडिया सबसे युवा, ठीक है, आधार पर स्थित कोनिडिया सबसे युवा, मतलब कि सबसे नया कोनिडिया बेस पर होगा और बाकी सारे ऊपर होंगे, सबसे पुराना जो होगा वो ऊपर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो हमको देखने को मिलता है इसके अंदर, है ना, ये जो है वो बेसिपिटल इसकी चेन हो जाएगी। ठीक है, ये कोनिडिया, ठीक है, ये जो है ये कोनिडिया, ठीक है, ये कोनिडिया फोर हो गया, और इसके ऊपर ये जो चेन है वो किसकी है, कोनिडियो स्पोर्स की। ठीक है, ये कोनिडियो स्पोर्स की चेन है, और ये कोनिडिया जो है वो इस टाइप से, ठीक है, एक कोनिडिया का स्ट्रक्चर बता रखा है, या तो ये कोनिडियो स्पोर्स या फिर स्पोरेंजियो स्पोर्स के थ्रू होता है। ठीक है, ये है ये, उसके बाद ये अलग होगा तो क्या कर देगा, जू स्पोर्स को जन्म दे देगा। ठीक है, यही जू स्पोर होंगे। ठीक है, इस टाइप के ये जर्मिनेट होकर के होस्ट सेल के अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, और होस्ट सेल के अंदर एंटर करने के बाद क्या करेंगे, ये अपना नया माइसीलियम जो है वो वहां पर स्थापित।
अंडकोशिक स्थल में जो माइसीलियम है उसकी एक कोई एक शाखा जो है उसका शीर्ष भाग फूल जाता है ना, एक हाइफी का शीर्ष भाग जो होता है वो फूल जाता है और इसका जो एकल केंद्रक होता है वो किसी तरह काम करता है, एग सेल। अब जे एक शाखा अगर हमने बात करें कि ये किसी तरह काम कर रहा है फीमेल गैमेट की, तो इसके जस्ट पास वाली जो ब्रांच होगी है ना, इसके जस्ट पास वाला जो हाइफी है उस पर जो शीर्ष है वो फूला हुआ भाग काम करता है एज अ मेल गैमेट। ठीक है, तो मेल गैमेट जो होता है वो फीमेल गैमेट मतलब जो मेल वाली शाखा होती है वो फीमेल के एकदम पास में होती है। ठीक है, तो इनके अंदर नेक्स्ट इसका जो गैमेट होगा वो काम करेगा एज अ मेल गैमेट। ठीक है, तो इसका जो न्यूक्लियस होगा कहाँ पर, फीमेल की वाली जो ब्रांच है उसके पास में प्रेजेंट जो मेल वाली ब्रांच है उसका न्यूक्लियस काम करेगा एज अ मेल गैमेट। अब हमारे पास में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आ गए। ठीक है, अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आ गए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे पहली डिमांड क्या होती है, फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन। ठीक है, तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, ठीक है, तो एक है हमारे पास में मेल गैमेट, ठीक है, और एक है हमारे पास में फीमेल गैमेट। और हमेशा गैमेट कैसे होते हैं, सिंगल एंड मतलब कि अगुणित प्रकार के, हमेशा गैमेट्स कैसे होते हैं, अगुणित प्रकार के। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन निषेचन होगा। ठीक है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे पहली डिमांड है। और हमेशा फर्टिलाइजेशन होगा, क्या बनेगा, जायगोट बनेगा है ना, क्योंकि एन प्लस एन टू एन होगा, तो टू एन कंडीशन आती है। इस टू एन कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जायगोट या फिर ऊस्पोर, जायगोट या फिर क्या बोलते हैं हम, ऊस्पोर। ठीक है, अब ये जो हमेशा जब भी टू एन वाली कंडीशन होगी तो क्या होगा, डिप्लॉइड कंडीशन कहलाती है ये। और हमेशा डिप्लॉइड कंडीशन में क्या होगा, मियोसिस होगा जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दूसरी डिमांड थी। पहली तो होगी फर्टिलाइजेशन और दूसरी होती है मियोसिस या फिर अर्धसूत्री विभाजन। तो एक जायगोट के अर्धसूत्री विभाजन से कितने स्पोर्स बनेंगे, चार हैप्लोइड स्पोर बनेंगे या फिर हम बोल सकते हैं चार सिंगल एन वाले स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, ये चार सिंगल एन वाले स्पोर्स बने थ्रू मियोसिस ऑफ जायगोट। ठीक है, जायगोट के मियोसिस से चार अगुणित बीजाणु जो है वो बने। अब क्या होगा, ये जो बीजाणु होंगे है ना वो वायु द्वारा प्रकीर्णित होंगे। ठीक है, प्रकीर्णित होने के बाद में क्या होगा कि ये वापिस से क्या करेंगे, अपना नया माइसीलियम जो है वो स्थापित कर देंगे। तो क्या हो गया, से हमने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, हमने बोला था कि जो गैमेट्स बनते हैं है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है, ऊकेमस प्रकार का होता है, विषम द्विभाजी प्रकार का होता है। विषम द्विभाजी प्रकार का मतलब क्या हो गया कि फीमेल गैमेट तो होता है साइज में बड़ा और मेल गैमेट होता है साइज में छोटा। मेल गैमेट जो होता है वो मोटाइल होता है क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसी फ्लैजिला के थ्रू ये क्या करता है, फीमेल गैमेट के पास जाता है। नेक्स्ट आता है, हमने बात करी कि जो ये गैमेट्स बनते हैं वो कहां पर बनते हैं, परपोषी, जो इसकी होस्ट है चाहे वो ब्रैसिकेसी कुल के सदस्य हो या फिर एमेरेंथेसी या फिर कॉन्वर्कुलेसी, बहुत सारे फैमिलीज के सदस्यों को ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन इसके अंदर क्रिएट करते हैं। तो हमने क्या बोला, गैमेट्स जो है, युग्मक जो है वो कहां पर बनते हैं, परपोषी के अंतराकोशी स्थानों पर बनते हैं। अब यहां पर हमारे पास में जो उसका माइसीलियम है उसकी एक शाखा काम करती है एज अ फीमेल गैमेट और एक शाखा काम करती है एज अ मेल गैमेट। फीमेल गैमेट को हम बोलते हैं ओगोनियम और मेल गैमेट को हम बोलते हैं एंथेलिडियम। ठीक है, अब फीमेल गैमेट का जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो काम करता है एज अ फीमेल गैमेट मतलब हम बोल सकते हैं कि एग सेल की तरह काम करता है। यहाँ पर हमारे पास में एंथेलिडियम का जो मेल गैमेट है वो एज अ काम करता है मेल गैमेट। अब हमारे पास में फीमेल गैमेट और मेल गैमेट प्रेजेंट
4804। ठीक है, इसके ऊपर कौन से स्पोर्स डेवलप हुए थे? तो अगर स्पोरेंजियोस्पोर से हो रहा है तो स्पोरेंजियोस्पोर, या फिर कोनिडियो स्पोर। ठीक है, कोनिडियो स्पोर। अगर ये है तो किस टाइप के स्पोर्स बनेंगे? जू स्पोर। ठीक है, फिर क्या होगा? इनका जर्मिनेशन होगा, अंकुरण होगा, और ये क्या फॉर्म कर देंगे? नया माइसीलियम। यही देखा था हमने, हमने देखा था कि इस टाइप से एल्गिनो का माइसीलियम था। अगर कोनिडियो स्पोर्स बन रहे थे तो ऐसे बने थे। ठीक है, फिर क्या हुआ था? अनुकूल परिस्थितियों में ये स्पोर्स जो है वो अलग हो गए थे। ठीक है, कुछ जो स्पोर्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं इस टाइप से। ठीक है, फिर क्या होते हैं? ये फ्लैजिलेटेड स्पोर्स जो होते हैं इनका क्या होता है? अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है, और वापिस ये क्या कर देते हैं? एल्ब्यूगो का माइसीलियम जो है वो बना देते हैं। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल जो है वो किसकी हो जाएगी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कौन सा रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल। ये
सारी फेज कैसी हो जाएगी, डिप्लॉय हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक लाइफ साइकिल शो रिप्रेजेंट करता है, किसको, एल्बिगो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर हम इसको डायग्रामेटिक वे में देखें, ठीक है, अगर हमको सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एज ए डायग्राम शो करना हो, तो हम कैसे शो करते हैं इसको, क्या हो जाएगी, इन्फेक्टेड होस्ट सेल।
वापस से अपना माइसीलियम जो है वो बना लेगी। तो ये जो लाइफ साइकिल होती है ये तो शो करती है सेक्सुअल, ये तो शो करती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, और ये जो लाइफ साइकिल है आपकी ये फॉर्म करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहां से स्टार्ट हुआ? माइसीलियम से स्टार्ट हुआ। एल्बिगो का माइसीलियम ऐसा होता है, ब्रांच होता है, ठीक है, एसेप्टेड होता है, यहाँ पे बहुत सारे आपके न्यूक्लियस होते हैं, और ये जो छोटी छोटी शाखाएं होती है क्या कहलाती है? हाइफी कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर आपका कोनिडियम बना, कोनिडियो फोर बना, कोनिडियम बना, और ये सारे कोनिडियो स्पोर्स। इस टाइप से कोनिडियो स्पोर्स जो होंगे उससे जू स्पोर्स जो है वो बनेंगे, ठीक है। यही जर्मिनेट होकर के इस टाइप का स्ट्रक्चर फ्लैजिलेटेड बनाएगा, बायफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होगा, जर्मिनेट होकर के क्या बना देगा? माइसीलियम बना देगा। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये तो है हो गया फीमेल पार्ट यूगोनियम, और ये हो गया मेल ब्रांच जिसको हम बोलते हैं इसको गोनियम। अब मेल जो है वो फीमेल के पास में है लेकिन अटैच नहीं है, तो ये अटैच होने के लिए क्या बना देता है? फर्टिलाइजेशन ट्यूब बना देगा। इसी फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू इसके न्यूक्लियस जो है इसमें एंटर करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो फ्री स्पेस है इसके थ्रू क्या बना आपका? स्पोर बना, है ना। स्पोर जो होता है के पास में दो लेयर होती है, बाहरी लेयर को तो हम बोलते हैं एक्साइन और आंतरिक लेयर को हम बोलते हैं इंटाइन, बाहरी परत और आंतरिक परत, ठीक है। इसके पास में ये है मियोसिस होगा, बहुत सारे जू स्पोर जो होंगे वो बनेंगे, क्या करेंगे? इन्फेक्ट करेंगे परपोषी कोशिका को, चाहे वो ब्रेसिकेसी इसके हो सकते हैं डिस्कस किए। तो ये परपोषी कोशिका के इंट्रा सेलुलर स्पेस में एंटर करता है, वहां जाकर के क्या बना देंगे? नया माइसीलियम बना देंगे। स्टोरी माइसीलियम से स्टार्ट होती है, माइसीलियम पर ही खत्म होती है, यहाँ पर भी माइसीलियम से स्टार्ट और माइसीलियम पर खत्म। तो ये होता है इसका लाइफ साइकिल। हम इसको इसके अंदर भी देख सकते हैं हमारे पीपीटी के अंदर, ठीक है। ये हो गया इसका, ठीक है, स्पोरेंजियम बेसिपिटल चेन में लगे होते हैं। बेसिपिटल चेन का मतलब क्या होता है? ऊपर वाले होंगे आपके नए जो होते हैं वो हमेशा नीचे लगते हैं, ऊपर वाले पुराने होंगे, ठीक है। ये आपका इस टाइप से स्पोर्स लगेंगे, जू स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। ये जो है वो आपके जू स्पोर्स है बायफ्लैजिलेटेड, ठीक है, ये बनेंगे, ठीक है। और ये आपके होस्ट, ये जो है आपकी इंफेक्ट करेंगे किसको? होस्ट सेल के एपिडर्मिस को इंफेक्ट करेंगे, और ये अपना नया माइसीलियम वहां पर स्थापित कर देंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने बात करी। एल्बिगो के अंदर ओगेमस सेट का होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट को हम बोलते हैं एंथेरिडियम और ओगोनियम, ठीक है। उसके अलावा कैंडिडा, एल्बिगो कैंडिडा के अंदर जो होता है ओवरीज आर प्रोड्यूस नियर इच अदर, है ना, ट्यूब्यूल्स एंड ओवरीज जो होते हैं वो एक दूसरे के पास में होते हैं, ठीक है। कुंडली और अंडधानी, मतलब ट्यूब्यूल्स नहीं बोल सकते हम, बोल के हम इसको एंथेरिडियम बोल सकते हैं, है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एंथेरिडियम, ठीक है, एंथेरिडियम एंड ओवरी, या फिर एंथेरिडियम और ओगोनियम, है ना। ट्यूब्यूल्स और ओवरीज की जगह क्या सही रहेगा? एंथेरिडियम और ओगोनियम आर प्रोड्यूस नियर इच अदर, एक दूसरे के पास में लगते हैं। देयर डेवलपमेंट इन द लेट स्टेज ऑफ स्टोमेटल ग्रोथ, ठीक है, स्टोमेटिक ग्रोथ, द गैमेट्स आर एंडोजिनस, अंदर बनते हैं, है ना, परपोषी कोशिका के अंदर बनते हैं, इसलिए हम इसको कैसा बोलते हैं? एंडोजिनस प्रकार का। इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर बनते हैं होस्ट टिश्यू के, इन द केस ऑफ जेनिटल इन फंगस जेनिटेलिया इन फंजाई द होस्ट टिश्यू बिगिंस टू हाइपरट्रॉफी एंड देयर होस्ट ऑर्गन्स स्टार्ट्स टू डिफॉर्म द रूट्स, ठीक है, गड़ने लगता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की हमने बात करी, प्लाज्मोगेमी भी होती है, प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी हमने डिस्कस किया। सबसे पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है, देन इनका न्यूक्लियस फ्यूज होता है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है, और फर्टिलाइजेशन की ट्यूब के थ्रू ये क्या करता है? मेल गैमेट जो अपने न्यूक्लियस को फीमेल के अंदर ट्रांसफर करता है, ठीक है। इस टाइप से आप देख सकते हैं ये आपका प्लांट है, ठीक है, इन्फेक्टेड प्लांट जो होता है, डिसीज्ड प्लांट जो है, ठीक है। अभी हमने देखा था वहां पर इसका माइसीलियम बना था, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। जू स्पोरेंजिया जो है ये मतलब कोनिडिया या स्पोरेंजिया है, ठीक है, ये स्पोरेंजियम बना, ये जू स्पोर्स बने, बाई फ्लैजिलेटेड, जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेशन हुआ, वापस से नया माइसीलियम बना दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टमेटिक इन्फेक्शन, ठीक है, आपका इसके अंदर उस स्पोर बना, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट फर्टिलाइजेशन हुआ, उस स्पोर बना, जर्मिनेशन ऑफ उस स्पोर हुआ, और क्या हुआ? एट द एंड वापिस से जू स्पोर्स बनेंगे, चार हैप्लॉइड, और वही क्या करेंगे? इन्फेक्ट कर देंगे, डिसीज करेंगे इसके अंदर, प्लांट के अंदर। डिसीज कौन सी कॉज कर
ये इसका माइसीलियम, ठीक है, होस्ट सेल के अंदर माइसीलियम था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसका पूरा स्ट्रक्चर है स्पोरिंजिया या कोनिडिया का, ये ज़ूस्पोर, ठीक है। यहाँ पर भी ये हो गया ओगोनियम, ये देख सकते हैं आप ओगोनियम, ये इसके एंथ्रिडियम की ब्रांच, ठीक है। ये यहाँ पर ये आप देखें कि ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब फॉर्म हुई, ठीक है। ये क्या है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब है ना। अब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ मतलब जब ट्यूब बने तो ट्यूब के थ्रू ये एंटर करेगा इसके अंदर, है ना, न्यूक्लियस, और क्या बना देगा, ज़ूस्पोर बना देगा, ठीक है। कैरियोकेपी होगी, कैरियोकेपी का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, ठीक है। तो ये कैरियोकेपी होगी, न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया। अब इसके अंदर जो आपका क्या था, स्पोर्स थे वो रिलीज होते हैं और ये ज़ूस्पोर जो है वो जर्मिनेट होकर के वापस से माइसीलियम बना देते हैं। तो स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, माइसीलियम से, और खत्म कहाँ पर होती है, वापस से नए माइसीलियम के बनने से, ठीक है। तो ये है हमारा सिलेबस का फर्स्ट जो मेंबर था एल्बिगो, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया कि कैसे एल्बिगो के अंदर आपका रिप्रोडक्शन होता है, एल्बिगो का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लाइफ साइकिल कैसी होती है, ठीक है, और ए सेक्शन